Data structure introduction. Data structure is a way of organizing data in memory. Data structure एक तरीका होता है जिस जिसके अंदर हम लोग data को organize करते हैं memory के अंदर. Not only the element but also the relation between them. But, खाली एलिमेंट्स ही नहीं बल्कि उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको भी हम लोग मैनेज करते हैं मेमोरी के अंदर इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास दो नंबर्स हैं और दो नंबर्स को हमने ऐड करना है तो इसके अंदर जो ऐड करने वाला साइन uh, होएगा वो प्लस होएगा उसको हम कहेंगे इनके बीच का रिलेशन उसको भी हमने अगर ऑर्गेनाइज करना है मेमोरी के अंदर तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं सो so, uh, एलगोरिजम प्लस डेटा इज इक्वल और डेटा को मिला के बनता है एलगोरिज्म क्या होता है एलगोरितालोरिज्म होता है आपका जो स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर फॉलो होता है उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं प्रोग्राम क्या होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर नोन एज प्रोग्राम जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम फ्लो चार्ट क्या है स्ट्रक्चर का डेटा स्ट्रक्चर आर ऑफ टू टाइप्स प्रीमेटिव एंड नॉन प्रीमेटिव प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके इंट करेक्टर फ्लोटिंग पॉइंट एंड स्ट्रिंग एरेस्टैक्यू लिंक नॉन प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अब जो नॉन प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दे आर टू ऑफ डेटा स्ट्रक्चर प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर दीज आर प्रीमेटिव डेटा टाइप्स फॉर एग्जाम्पल इंटीजर फ्लोट पॉइंट नंबर कॉन्स्टेंट स्टिंग नॉन प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर दीज आर ड्राइवड फ्रॉम द प्रेटिव डेटा स्ट्रक्चर नॉन प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर से ही ड्राइव हुए होते हैं जैसे कि दे दीज आर डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ होमोजीनियस और हिटोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स ग्रुप होते हैं जो एक जैसे और अलग अलग टाइप्स के डेटा को मिला के नॉन प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर बनता है अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है आपका

डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्यू आते हैं अब आते हैं आपके पास बेसिक ऑपरेशन देयर आर एंड कॉमन ऑपरेशन परफॉर्मड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स दीज आर सर्चिंग सोर्टिंग ट्रैवर्सिंग इंसर्शन डिलीशन मर्जिंग एंड मैन अब नो नॉन प्री प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं में है एरे टैग क्यू लिस्ट एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं ट्रीज एंड ग्राफ एरे क्या होता है एरे इज़ अ लीनियर नॉन प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर सबसे पहले जो एरे है वो एक तो लीनियर है और नॉन प्रीमेटिव है डेटा स्ट्रक्चर इट इज़ अ डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स इट इज़ द डिफाइंड एज दी कलेक्शन होता है जो एक ही टाइप के डेटाज होते हैं उनकी क्लेक्शन को हम लोग एरे कहते हैं एन एरे कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ डेटा आइर ऑल इंटीजियर वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग वैल्यूज़ और ऑल करेक्टर्स वैल्यूज एरे एक ही टाइप का डेटा कंटेन करता है जैसे इंटीजियर वैल्यू या करैक्टर वैल्यू या फिर फ्लोटिंग वैल्यू फॉर एग्जाम्पल इंटीजियर ए कंटेन्स टेन इसका मतलब यह है कि एरे जो है वो ए है और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो टेन है और हमेशा एरे जो है फ्रॉम जीरो जीरो से स्टार्ट होता है और अगर उसकी वैल्यू टेन है तो इसका मतलब मैक्सिमम नाइन तक उसकी आ, इंडेक्स वैल्यू जाएगी अब डेटा जो होता है अब एरे जो होता है वो एरे इज़ शोन इन द फिगर इस टाइप के अंदर जीरो टू नाइन इज इंडेक्स वैल्यू एंड डेटा इज फ्रॉम फ्रामी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्स हंड्रेड स्मॉल प्रोग्राम फॉर एरे रीड एन एरे एंड राइट एन एरे एरे के एरे रीड रीड का मतलब ये होता है जैसे कि फोर यहाँ पे फोर लूप लगाई गए आई इज इक्वल टू मैक्सिमम नाइन और आई इंक्रीमेंट और सी इन जो है वो है आपका ए ऑफ आई इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास हम लोग वैल्यूज लेंगे इनपुट uh, जो हम लेनी है वो हमारे पास आई में स्टोर हो जाएगी और वो मैक्सिमम और फिर उसके बाद आता है फॉर राइट एंड एरे फॉर लूप फ्रॉम आई इक्वल टू जीरो टू आई मैक्सिमम नाइन तक जाएगा और आई इंक्रीमेंट होगा आउटपुट जो है वो आउटपुट शो वो एरे ऑफ आई मतलब कि जो आई की वैल्यू है वो जीरो से नाइन तक शो और इंक्रीमेंट होती रहेगी जीरो टू वन वन टू टू अपू नाइन तक तो इसके अंदर जो आउटपुट uh, आएगी फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम नाइन तक वैल्यू आएगी अब एरे के अंदर रीड का मतलब ये होता है कि हम लोग रीड कर रहे हैं किसी भी वैल्यूज को और राइट का मतलब होता है कि जो आउटपुट आती है स्क्रीन के ऊपर वो आउटपुट है स्क्रीन के ऊपर स्टैक स्टैक इज डिफाइंड एज ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टैक जो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है उसको हम स्टैक कहते हैं स्टैक हैज़ अ स्पेशल फीचर दैट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स इज डन एट वन पॉइंट जो स्टैक की एक फीचर होता है कि जो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही पॉइंट से होते हैं और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं टॉप ऑफ द स्टैक स्टैक एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं डिलीट करते हैं और टॉप जो होता है टॉप से हम लोग इंसर्ट भी करते हैं और डिलीट भी करते हैं

एंड्स। इसका मतलब ये है कि जो क्यू एक तरह का स्पेशल फीचर है डेटा स्ट्रक्चर का जिसके अंदर हो सकती है सिर्फ एक ही एंड से होगी इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स इज डन एट वन एंड इज कॉल्ड रेयर इसके अंदर जो इंसर्शन होती है जिस एंड से उसको हम रेयर कहते हैं डिलीशन ऑफ द एलिमेंट इज डन एट अन जहाँ से डिलीट होएंगे एलिमेंट्स उसको हम फ्रंट कहते हैं जहाँ से इंसर्ट उसको हम रेयर कहते हैं सो दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिफो फिफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये जो आ, प्रोसीजर होता है इसके अंदर जो चीज पहले इंसर्ट होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी जैसे कि फॉर एग्जांपल जो इसका रियल लाइफ एग्जांपल है जैसे कि टिकट काउंटर होता है उसके अंदर जो सबसे पहले लगता है वो सबसे पहले बाहर निकलता है तो उस वो एक एग्जाम्पल है क्यू का और स्टैक का रियल लाइफ एग्जाम्पल है जैसे कि एक एक जार के अंदर बिस्किट रखे होते हैं जो सबसे लास्ट में बिस्किट होता है सबसे पहले वही उठाते हैं तो रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ स्टैक इज लिंक लिस्ट इज अटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स नोट्स जो कलेक्शन ऑफ नोट्स होते हैं उसको हम लिंक लिस्ट कहते हैं लिंक लिस्ट जो है वो नाम से ही पता चल रहा है लिंक लिस्ट जिनके जिन लिस्ट के बीच में लिंक होता है उसको हम लिंक लिस्ट कहते हैं नोट्स आर कनेक्टेड और जो हर एक लिस्ट को जो हर एक जो एरिया होता है जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं उसको हम नोड कहते हैं नोड आर द वेरिएबल्स विच आर टू पार्ट्स जो एज एशोनिंग फिगर जो हमारे पास ये लिंक लिस्ट है इसके अंदर जो स्टार्ट जो स्टार्ट है वो एक फर्स्ट नोड है फिर उसके बाद सेकेंड नोड फिर उसके बाद थर्ड नोड फिर उसके बाद एंड नोड है ये नोड क्या होते हैं जो कलेक्शन ऑफ नोट्स होती हैं इनको हम कहते हैं लिंक लिस्ट इसके अंदर जो एक लिंक है ये जो एरो है ये एक लिंक है बिटवीन द टू नोट्स और ये जो है किसी भी टाइप से हो सकता है ये चाहे फॉरवर्ड हो सकता है बैकवर्ड हो सकता है और बोथ साइड भी हो सकता है इसके अंदर जो यूज हो इसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर है वो ये है कि यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो हमारे पास इस वाले एंड में होता है इस वाले मतलब नोड में होएगा, मतलब इस वाले नोड में होएगा और जो आ, उसका एड्रेस जो नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो उसके इस वाले नोड में यूज होएगा। इसका मतलब ये है कि पार्ट ऑफ पार्ट इज फॉर डेटा एंड अदर इज फॉर एड्रेस जो नोड होते हैं नोड के टू पार्ट होते हैं पहले पार्ट के अंदर डेटा स्टोर होता है और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है नेक्स्ट पार्ट का नेक्स्ट नोड का जो स्टार्टिंग नोड होती है स्टार्टिंग नोड कंटेन करती है फर्स्ट डेटा एंड सेकंड इज एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड और जो एंड नोड होती है एंड नोड कंटेन करती है डेटा एंड नल पॉइंटर नल पॉइंटर होता है जो हमें बताता है कि यहाँ पे इसके बाद कोई भी लिंक लिस्ट इसके बाद कोई भी नोड नहीं है

Uh, अब हमारे पास है नॉन लीनियर एंड नॉन प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर ये होते हैं ये दो टाइप के होते हैं ट्रीज एंड ग्राफ ट्री क्या होता है अ ट्री कैन बी डिफाइंड एज अ फाइनाइट सेट ऑफ डेटा आइटम्स अ ट्री कैन बी डिफाइंड एज फाइनाइट सेट ऑफ डेटा आइटम्स को हम लोग ट्री कहते हैं वैन दी अरेंजमेंट अरेंज्ड वैन दे आर अरेंज्ड इन नॉन लीनियर ऑर्डर द स्पेशल डेटा आइटम्स एट एट दी टॉप इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास ट्री होता है ट्री की बहुत सारी नोट्स होती हैं सो हम ट्रीज ट्री की डेफिनेशन ये भी है कि द कलेक्शन ऑफ नोट इज नोन एज ट्री इसके अंदर क्या होता है हमारे पास जो फर्दर जो नोट्स कनेक्टेड होती हैं वो हमारे पास एक नॉन लीनियर मैनर में होती है इसके अंदर डेटा हर एक नोड के अंदर कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होएगा और द स्पेशल डेटा आइटम्स एट द टॉप जो सबसे पहला जो नोड होगी उसको हम लोग टॉप कहेंगे एंड द ट्री इज कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री उसके बाद हमारे पास सब ट्री आते हैं फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास सब चाइल्ड नोड्स तो टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज कौन सी होती हैं ओनली वन चाइल्ड जिस जो इस वाले टाइप के ट्रीज के अंदर सिर्फ एक ही चाइल्ड होएगी उसको हम कहेंगे वन चाइल्ड और जिसके अंदर टू चिल्ड्रन होंगे उसके हम टू टू चाइल्ड कहेंगे और जिसके अंदर मोस्टली टू चिल्ड्रन होंगे उसको हम मोस्टली टू चिल्ड्रन कहेंगे इसका मतलब यह है कि जैसे हर एक नोड के अंदर दो दो चाइल्ड नोड्स होती हैं और हर एक चाइल्ड नोड की फर्दर चाइल्ड नोड्स होती हैं तो इस इस हिसाब से हम लोग इनको डिफाइन करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं ग्राफ क्या होता है ग्राफ इज़ द सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस ग्राफ हम डिनोट करते हैं जी से और इसका ये होता है सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस इट इज़ नॉन लीनियर नॉन प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर ये नॉन लीनियर और नॉन प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर है यानी कि जो डेटा स्टोर होएगा इसके अंदर वो नॉन लीनियर मैनर के अंदर होएगा इट इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज इसके अंदर एक फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज यूज़ होती हैं वर्टिस क्या होती हैं ग्राफ जो होता है वो सेट ऑफ वर्टिस एंड एजिस होते हैं वर्टिस दैट कोनेक्ट दर्टिस हमारे पास जो पॉइंट होते हैं और जो सर्कल होते हैं जो ये वाले जो पॉइंट हैं जो ए बी सी डी है इसको हम वर्टिस कहते हैं जो कनेक्ट करते हैं एजिस को जो लाइन होती है उसको हम एज कहते हैं एज आर आर लाइन ऑफ टू टू वर्टिसेस वर्टिसेस बिटवीन जो वर्टिसेस के बीच में जो लाइन होएगी उसको हम एज कहेंगे जो कनेक्ट करेगी टू वर्टिसेस को टाइप्स ऑफ ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ नॉन डायरेक्टेड ग्राफ कनेक्टेड नॉन कनेक्टेड सिंपल ग्राफ